हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है आज हम एम करने वाले हैं तो सो फार हमने 14 फिफ्टीन क्लासेस की अपनी सीड साइंस की जिसमें मेजर सीड साइंस के टॉपिक्स जो हैं आपके कवर हो चुके हैं If you still have anything in your mind कि मैम सीट साइंस से हमें ये कवर करना है या इससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है यू स्टिल कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई कैन टेक द क्लास अदरवाइज आज कुछ छोटे छोटे एम सी क्यूज़ करेंगे हम रिलेटेड टू सीट साइंस एंड देन आज सीट साइंस विल बी कम्प्लीटेड एंड मूविंग अहेड विद अ न्यू सब्जेक्ट राइट right. चलिए तो शुरुआत से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं बता दें ये प्रयास क्लासेस हैं प्लांट साइंस स्टूडेंट के लिए रोज़ रोज़ नहीं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यानी कि हफ्ते में तीन बार आती हैं एट सेवन पी एम ओनली ऑन उन एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन और अगर आपने अभी तक अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन की ये ऐप नहीं अच्छी लगी सॉरी डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए एंड बहुत सारे फ़ीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के जैसे कि सब्जेक्ट वाइज पावर कैप्सूल एंड जॉब अलर्ट्स ये सब आपको एक ही एप्लीकेशन में मिलता है बस डाउनलोड करके लॉगिन करना है लॉग इन करने के बाद जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स से उसको चूज़ किए गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बाद आप उसमें एग्रीकल्चर चूज़ कीजिए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट uh, क्लासेस आ रही हैं इंपॉटेंट कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है आप बिल्कुल मिस ना करें उस टन करके आपके फ़ोन में घंटी बज रहे हैं एंड यू आर ऑनलाइन एंड यू कैन सी ऑल द अपडेट्स राइट देयर फॉर यू ओके सो डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो चलिए अब हम चलते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इफ्को इफको का मेन्स बैच आ गया है जो भी बच्चे मेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिनका प्री धमाकेदार गया है वो तो कर ही रहे हैं बट आई गेस प्री सबका अच्छा गया होगा क्वाइट ईजी पेपर था एंड अब परी सिर्फ प्री पर हमें छोड़ना नहीं है ना बीच में टाइम वेस्ट करने का टाइम भी नहीं है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस तो मेंस के लिए अगर आपको लगता है आपको किसी गाइडलाइंस की जरूरत है नोट्स की जरूरत है कंसेप्ट समझने की जरूरत है तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं एंड वाई फोर फोर एट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनरोल इन द बैच टू गेट सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ ऑन योर बैचेज चलिए अब चलते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की तो आज हम एम सी क्यूज करने वाले हैं रिलेटेड टू सी साइंस लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन मोस्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, राइट तो एज अ प्लांट ब्रीडर या जेनेटिक स्टूडेंट्स को पता होता है इसका आंसर लेकिन जो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ के आए होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं या किसी और स्ट्रीम से होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं है ना तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पारथेनोकार्पी देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं फर्स्ट इज एपोमिक्सिस तो एपोमिक्सिस होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन लेकिन पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड नहीं होता है ठीक है दे डू नॉट प्रोड्यूज एनी सीड जैसे ग्रेप्स में सीड नहीं होता है कुछ ग्रेप्स में होता भी है एंड uh, आपकी जो बनाना है उसमें सीड नहीं होता है पाइनएप्पल है उसमें सीड नहीं होता है दे आर मोस्ट प्रोबेबली हैविंग द पार्थिनोकार्पिक जो भी आपका सीडलेस फ्रूट होता है उसमें पार्थिनोकार्पी होता है यानी कि उसमें सीड डेवलपमेंट नहीं होता उसमें क्या होता है फ्रूट डेवलपमेंट होता है लेकिन एपोमिक्सिस में सीड भी डेवलप होता है ना सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस वन मोर टर्म इज देयर पार्थिनोजनासिस तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है द सेम एज पार्थेनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के एक इंडिविजुअल का जन्म लेना लेकिन ये एनिमल्स में यूज़ होता है इंडिविजुअल बोला मैंने ठीक है पार्थेनोजुनासिस एनिमल्स में टर्म यूज होती है जैसे बीज में ड्रॉन्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है पार्थेनोजुनासिस हो रहा है ठीक है तो पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजनासिस बातें की है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है लेकिन पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में यूज किया जाता है एंड पार्थिनो एनिमल्स में यूज किया जाता है सो द राइट आंसर हियर विल बी क्वेश्चन नंबर टू अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज नॉन एज मैंने आपको सीड स्ट्रक्चर बताया था एल्यूरोन लेयर भी बताया था एम्ब्रियो भी बताया था रेडिकल भी बताया था है ना और ये आपका फ्लूम्यूल भी बताया था तो मैंने उस स्ट्रक्चर में आपको एक ही एम्ब्रियो बताया था अगर एक जो भी आपका सीड है उसमें पोली एम्ब्रियोनी स्टेज है पोली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो है तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे पोली एम्ब्रियोनी पोली का मतलब क्या है पॉली का मतलब है बहुत सारे एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो बहुत सारे एम्ब्रियो हैं यानी कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं तो हम उसको पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन कहते हैं किसी भी सीड में पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन कब पता चलती है किसी भी सीड में पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन पता चलती है जब आप उसको ग्रो करते हैं ठीक है जब आप उसको ग्रो करेंगे अगर उसमें एक से ज्यादा सीडलिंग आता है कभी कभी देखिएगा है ना ये आपका सीड है आपने एक ही सीड सो किया था लेकिन इसमें से दो छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आए हैं ठीक है दो छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आए हैं तो यानी कि इसमें दो एम्ब्रियोस रहे होंगे तभी दो प्लांटलेट्स निकले हैं तो ये क्या है ये पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है एग्जाम्पल्स पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के पूछे जाते हैं मैंगो इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी मैंगो ठीक है सिट्रस सिट्रस में भी पॉली एम्ब्रियोनी होती है और मैंगो में भी पॉली एम्ब्रियोनी होती है और और किसमें होती है आप कुछ होमवर्क तो आप भी कीजिए एक आधी चीजें आप भी जो है कमेंट बॉक्स में बताइए साथ साथ होमवर्क करते रहेंगे तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा चीजें बेटर लर्न रहेंगी सिर्फ सुनेंगे तो भूल जाएंगे हमारे कान जितना सुनते हैं हम उसका साठ सत्तर प्रतिशत मुश्किल से तो याद रख पाते हैं वैसे तो कहा जाता है सिर्फ ट्वेंटी थर्टी परसेंट ही रख पाते हैं पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंसंट्रेशन से मेरी क्लास देख रहे हैं ठीक है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजिन पी पीजन पी का पहला हाइब्रिड कौन सा था अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन है ना लेकिन यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज उठाते हैं तो हमेशा याद रखेगा आई सी पी एच एट आई सी पी एच एट इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी इसी के साथ साथ कई बार बॉल मिलेट का पूछा जाता है ठीक है और किसका पूछा जाता है पर्ल मिलेट कॉटन का पूछा जाता है है ना पर्ल मिलेट का कॉटन का इनके फर्स्ट हाइब्रिड्स जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं ठीक है और कई बार कोई नया हाइब्रिड जो भी रिलीज हुआ हो करंट ईयर में वो भी एक आधी बार एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है तो करंट हाइब्रिड्स या कौन वेराइटीज़ जो रिलीज हुई हैं उनको आपको देख के जाना चाहिए देखिए सारी वेरायटीज़ आपको याद कभी नहीं रहेगी मुझे भी नहीं है ठीक है कहीं सोचो मैम टीचर है मैम को सारी आती हैं लेकिन अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है किसी वैरायटी में है ना या फिर अभी अभी इसी साल रिलीज हुई है ये दो कंडीशन होती हैं तो जो है हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ामिनर बिल्कुल पूछ सकता है ठीक है तो कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें है म्यूटेंट वेराइटी है किसी डिजीज से रेजिस्टेंस है आ, या फिर वो इसी साल रिलीज हुई है न्यू वेराइटी है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर न्यूरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट इन लथायरिस लथायरिस प्लांट में कौन सा न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है इसको हम और क्या बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ठीक है तो ये है आपका बी ओ ए एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उन पर अटैक करता है एंड दैट कैन कॉज यू सेवरल प्रॉब्लम्स है ना तो इससे बच के रहना है भाई ठीक है इट इज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नेक्स्ट डैश डिवाइड आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद क्या डिवाइड होता है सो फर्टिलाइजेशन वाला जो पार्ट है मैंने आपको सीड साइंस में नहीं करवा कर उसको प्लांट ब्रीडिंग में कंप्लीट करवाया है एंड नो सच लाइक मैं सेम चैप्टर अगर दो सब्जेक्ट में आ रहा है तो दोबारा रिपीट करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है यू कैन वॉच इन द प्लान ब्रीडिंग सेक्शन तो मैंने वहाँ क्या बताया था आपको ये है आपका एम्ब्रियो और यहाँ पर आपका एग है एंटीपोडल्स हैं सिनरज हैं और दो पोलर बॉडीज हैं तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एग सेल है जब ये फर्टिलाइज होता है तो बनता है और जो ये जो पॉलर बॉडीज हैं ये फर्टिलाइज होती हैं, तो बनता है एंडोस्पम एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या डिवाइड होता है क्वेश्चन ये है भाईगॉट डेवलपमेंट तभी होती है जब एंडोस्पाम बन जाता है ऐसा क्यों है एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है तो जब आपके जयगॉट को पता चलता है ना मेरे खाने पीने का इंतजाम हो गया है एंड नाउ आई कैन ग्रो सेल डिवीजन के लिए मेहनत लगने वाली है एनर्जी लगने वाली है है ना तो यहाँ पर क्या होता है डिवाइड होना शुरू होता है और क्या बना लेता है एम्ब्रियो बना लेता है ठीक है तो ये कब शुरू होता है जब एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद एम्ब्रियोजिनास शुरू होता है ठीक है तो यहाँ पर आ, कौन डिवाइड होता है जाइगॉड डिवाइड होता है सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा आंसर एगोड एम्ब्रियोजनाट डे एंड एम्ब्रियोजना अभी भी मैंने आपको बताया एम्ब्रियोजनासिस का मतलब है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन एम्ब्रियो का बनना इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजिनासिस तो एम्ब्रियोजेनासिस किस एंड पर होता है माइक्रोपाइलर एंड पर होता है हीलम पर होता है हाइपोफाइसिस पर होता है या एक्सिस पर होता है तो देखो ये है आपका एम्ब्रियोसैक ठीक है एम्ब्रियोसाइक में ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है ठीक है ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है तो जो एम्ब्रियोजेनासिस होता है यानी कि एम्ब्रियो की जो बनने की प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पर होती है माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है सीड में सीड में जब आप ध्यान से देखेंगे स्पेशली चने के सीड को देखेगा आपको उसमें एक छोटा सा छेद दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं सीड स्ट्रक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था ये आपका चने का सीड है यहाँ पर छोटा सा छेद होता है है ना दिस इज पोर फॉर वाटर एम्बाइबिशन अंदर वाटर को खींचने के लिए तो यहाँ पर ये यह जो पोर है इसके पास ये जो एंड है है ना एम्ब्रियो का एंड जो इस साइड है उसका हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड ठीक है तो एम्ब्रियो के एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है एम्ब्रियोजोनासिस होता है एम्ब्रियो का बनना शुरू होता है द लार्जर बैसल सेल्स इन डाइकॉट्स आर कॉल्ड एज डॉस में नीचे की तरफ एक थोड़ा बड़ा सा सेल होता है जिसे बेसल सेल कह रहे हैं उसका प्रॉपर नाम क्या है तो उसको बेसल सेल कहते हैं सस्पेंसर सेल कहते हैं हाइपोफाइटिक सेल कहते हैं या माइक्रोपाइलर कहते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सस्पेंसर सेल्स ये देखिएगा आपको डाइग्राम से बेटर समझ आएगा ठीक है तो ये देखो आपका है, जाइगोट में डिवीजन हुआ एक सेल से दो सेल बन गए ठीक है दो सेल में जो ऊपर वाला सेल होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल सेल नीचे वाला जो सेल होता है उसे बोलते हैं बेसल सेल बेसल मतलब बेस बेस नीचे की तरफ होता है, है ना किसी भी चीज का बेस नीचे की तरफ होता है अब ये जो आपका बेसल सेल है इससे ये दो सेल बनते हैं जिन्हें बोलते हैं सस्पेंसर सेल्स और ऊपर का जो ये टर्मिनल सेल्स है ये डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं सेल एम्ब्रियो तो पूरा जो सेल एम्ब्रियो है वो बेसिकली इसके ऊपर टिका हुआ होता है ठीक है तो इसको बोलते हैं सस्पेंसर तो देखो ये जो है ये ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है एम्ब्रियो और ये नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं सस्पेंसर ठीक है तो ये एम्ब्रियो यहाँ पे ग्लोबुलर हो गया यहाँ पर हर्ट शेप हो गया एंड यहाँ पर इस तरीके से बन गया लेकिन ये पोर्शन ऐसे के ऐसे होता है सस्पेंसर पोर्शन सस्पेंसर पोर्शन जो है वो एक तरीके से बेस का, का काम कर रहा है स्टेम का, का काम कर रहा है जिसके ऊपर पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है ठीक है और सस्पेंसर किससे बनता है बेसल सेल से बनता है बेसल सेल कौन सा होता है नीचे वाला सेल होता है ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस चलिए क्वेश्चन एट द आउटर लेयर इन डाइकॉट्स इज कॉल्ड एज डाइकॉट्स में जो बाहरी लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है प्रो कैम्बियम ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोटोडर्म या फिर प्रो एम्ब्रियो देखो मैंने आपको क्या बताया था पहले इसके बारे में बात करेंगे सॉरी तो मैंने आपको बताया था जो भी डायकोट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है सबसे बाहर सीड कोट होता है अब यहाँ तो सीड कोट नहीं लिखा हुआ राइट तो यहाँ पर आपका आंसर है प्रोटोडर्म डर्म का मतलब क्या होता है स्किन स्किन कहाँ होती है बाहर हमारे बाहर सबसे पहले क्या आती है स्किन आती है राइट तो ये प्रोटोडर्म विल द आंसर अभी जो सीड कोट है ये भी दो अलग अलग लेयर से बनता है टेस्टा एंड टेगमेन ठीक है टेस्टा एंड टेगमेन इनमें से कौन सी लेयर बाहर की साइड है और कौन सी लेयर अंदर की साइड है ये भी मैंने बताया था अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टेस्टा टेगमेन दो से सीड कोट बनता है ये टेस्टा अंदर कौन सी है बाहर कौन सी है इन टेगमेंट में से कौन सी अंदर कौन सी बाहर है बेसिकली आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर इन मोनोकोट्स सस्पेंसर सेल में फंक्शन एज मोनोकोट्स में जो सस्पेंसर सेल हमने अभी अभी देखा ये क्या फंक्शन कर सकता है इट कैन फंक्शन एज ये माइक्रोपाइल का काम कर सकता है ये हीलम का काम कर सकता है ये हॉस्टोरियम का काम कर सकता है या फिर यह एंडोस्पर्म का काम कर सकता है अब देखिए माइक्रोपाइल तो एक छेद होता है जिससे पानी जो है सीड के अंदर जाता है तो एक सस्पेंसर सेल छेद का काम तो नहीं कर सकता हीलम हीलम क्या है वो अटैचमेंट है, वो स्कार जो प्लासेंटा से जुड़कर बना होता है तो हीलम भी नहीं हो सकता एंडोस्पर्म तो ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन में बनता है जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो का फूड होता है तो ये उसका काम भी नहीं करता है ना वो तो पोलर बॉडीज के उससे बनता है फर्टिलाइजेशन से बनता है अब हमारे पास आंसर क्या आया हॉस्टोरियम ठीक है? क्या होता है आपने कभी फंगल इन्फेक्शन देखे होंगे तो ये जो फंगल हाइफी होता है तो ये आपका सेल है तो ये इसके सेल के अंदर जो इन्वेजिनेट करता है सेल के अंदर जो घुसता है इसको बोलते हैं हॉस्टोरियम ये थोड़ा शार्प पिन लाइक -like स्ट्रक्चर होता है सो दैट इट कैन रैप्चर द सेल वॉल और द सेल मैम्रेन एंड एंटर इन टू द सेल तो इसको हॉस्टोरियम बोलते हैं तो आपका जो सस्पेंसर सेल है ना वो हॉस्टोरियम की तरह काम करता है मोनोकोट्स में कभी कभी क्वेश्चन नंबर टेन फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट फ्यूजन इज कॉल्ड देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पूछा फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन बिना किसी फ्यूजन यानि कि जहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट्स मिलते हैं दैट इज़ फ्यूजन यानी कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है फ्रूट नहीं डेवलप हो रहा इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन एपोमिक्सिस तो इसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था एपोमिक्सिस में सीड डेवलप होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के और सीड क्या सीड से क्या डेवलप होता है प्लांट डेवलप हो सकता है पूरा का पूरा तो पूरा प्लांट से पूरा प्लांट डेवलप होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन बिना किसी फ्यूजन uh, के तो इसको हम क्या बोलते हैं एप्पमिक्सिस ठीक है तो अगर यहाँ पर इंडिविजुअल की जगह सीड लिखा आता तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट होता लेकिन इंडिविजुअल भी ठीक है चल जाएगा काम क्योंकि हमें मोस्ट राइट right देखना है दैट विल बी एपोमिक्सिस ठीक है फर्टिलाइजेशन तो मेल फीमेल या का जो फ्यूजन होता है वो होता है पॉलिनेशन होता है पॉलेंस का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना और एम्फेमिक्सिस एम्फेमिक्सिस यानी कि हाफ एपोमिक्सिस टाइप जो सिचुएशन होती है ना ठीक है उसको बोलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी इलेवन डैश प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें सीड्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के तो आंसर यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर हमें स्पीशीज की है। अगर हमसे पूछा जाता है प्रोसेस तो हम कहते हैं है. लेकिन यहाँ पर स्पीशी पूछिए हिबिस्कस स्पीशी में ऐसा होता है रेफलेशिया में ऐसा होता है एस्ट्रेशिया में ऐसा होता है या फिमिलिया में ऐसा होता है तो इट इज इट और एस्टरेशी फैमिली है ना जिसमें आपके ये सारे फ्लावर्स आते हैं अपने आसपास आपने देखे भी होंगे इनमें से कुछ है ना जो भी इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं ना स्मॉल पेटल्स वाले इस सारे एस्टेरेशी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन सभी में सीड डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि इन सभी में आपो काफी प्रोवेल करता है ठीक है डाइकॉट सीड इज इनमें से कौन सा एक डाइकॉट सीड है कैस्टर फैन्योग मैंगो ऑल ऑफ द अबव तो डाइकॉट सीड का मैंने सिंपली क्या बताया था यू हैव टू जस्ट प्रेस द सीड अगर वो दो भागों में बट जाता है दो कॉटेडेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो डाइकॉट सीड होता है अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे ना तो फेन्योग्रिक आपको मोनोकॉट लग सकता है लग सकता है नहीं ठीक है आपको लगेगा यार मेथी का दाना तो ऐसे दो भागों में नहीं टूटता है तो मे भी वो मोनोकोट होगा है ना और इसीलिए कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन में रखा है हमेशा याद रखिएगा कॉटन और Penugreek. ये दोनों क्या हैं आपके डाइकॉट सीड्स हैं हमेशा याद रखिएगा इस बात को इनको अक्सर दिया जाता है बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ऐसा नहीं है नहीं होते सरसों मस्टर्ड मस्टर्ड भी आपको लगेगा कि छोटा सा दाना होता है दो भाग कहाँ दो कोटे देखने को मिलते हैं पी में तो सबको पता है दो कोटे है है ना चने में सबको पता है दो कोटेडिन है लेकिन ऐसे जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं वही चीज़ जो है एग्जामिनर देगा तो ये सभी क्या है ये सभी डाइकॉट्स के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के भी तो डिफरेंसेज बताए थे मैंने उसकी लीफ भी तो याद कीजिए कैसी होती है उसकी लीफ अगर कंपाउंड लीफ है तो वो एक डाइकॉट प्लांट है राइट तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव ये सभी क्या है डाइकॉट प्लांट्स हैं सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव स्लो सीड ड्राइंग इज डन इन स्लो सीड ड्राइंग सीड मॉइस्चर के लिए सीड ड्राई करना पड़ता है उसमें कितना मॉइस्चर लॉस uh, हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं तो सीड ड्राइंग के uh, के लिए दो मेथड मैंने आपको बताए थे एक फ़ास्ट एक स्लो तो स्लो ड्राइंग मेथड किसके लिए किया जाता है तो फास्ट मेथड में 130 डिग्री सेल्सियस फॉर लाइक टू आवर्स और फोर आवर्स और स्लो मेथड में एक सौ तीन डिग्री सेल्सियस फॉर सेवेंटीन टू ट्वेंटी फोर आवर्स तो ये स्लो ड्राइंग होती है तो स्लो ड्राइंग हम किस में करते हैं रेप सीड एंड मस्टर्ड में यानी कि ऑयल क्रॉप्स में बेसिकली ऑयल क्रॉप्स में रेप सीड एंड मस्टर्ड क्यों करते हैं ताकि उसका ऑयल ना हो ऑयल तो बचाना है हमें है ना फास्ट ड्राइंग करेंगे तो ऑयल भी इवेपोरेट हो जाएगा उसका भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा या वो सीड से उज आउट हो जाएगा इसका हमें नहीं करना है ऐसा नहीं होने देना है इसके लिए हमें क्या करना है उसको स्लो ड्राइंग पर रखना है ठीक है सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन सीड साइंस सीड लॉट के कलर टैग का कलर कैसा होता है एंड द आंसर इज डी ऑरेंज एंड ग्रीन कलर ठीक है तो यहां पर है आपका न्यूक्लियस सीड ब्रीडर सीड फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड ट्रूथफुली लेबल सीड एंड रजिस्टर्ड सीड ठीक है न्यूक्लियर सीड का कोई टैग कलर नहीं होता ब्रीडर का गोल्डन येलो होता है फाउंडेशन का वाइट होता है सर्टिफाइड का ब्लू होता है लेबल का ग्रीन होता है रजिस्टर्ड का पर्पल होता है और सीड लॉट का बता दिया है तो ये सारे सीड कलर जो है आपको याद होने चाहिए इनमें से कोई सा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में next seed coat peroxidase test is used for abi पिछले ही वेडनेसडे आई टुक द क्लास फॉर द वेराइटल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें मैंने बताया था बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है परऑक्सीडेज टेस्ट परऑक्सीडेज एनजाइम को जो है टेस्ट किया जाता है उसकी एक्टिविटी को टेस्ट किया जाता है एंड दैट इज डन इन सोयाबीन ये सोयाबीन में किया जाता है सोयाबीन के सीड कोट को उतार तो के कैमिकल uh, में डिप करेंगे फिर देखेंगे कि परऑक्सीडेज की एक्टिविटी उस केमिकल में कितनी है, जितनी एक्टिविटी एक जितनी एक्टिविटी एक्टिविटी ज़्यादा होगी होगी एक डार्क कलर डेवलप होगा, कम कलरलेस रहेगा। storage temperature एंड two percent ड्रॉप इन moisture? ये किसने कहा था कि यदि आप स्टोर्ड टेम्परेचर पांच डिग्री कम कर दे या मॉइस्चर को दो डिग्री कम कर दे तो जो सीड की लाइफ है वो डबल हो जाएगी है ना ये प्रिंसिपल जो है जे एफ हैरिंगटन ने दिया था और बहुत बार ये पूछा जाता है इसका मतलब क्या है अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस पे अपनी सीड को स्टोर कर रहे हैं तो आठ पर अगर करते हैं तो सॉरी पाँच नीचे पाँच डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं और उसका मॉइस्चर टेन है तो एट परसेंट करते हैं तो उसकी सीड की जितनी लाइफ थी उससे डबल लाइफ हो जाएगी ऐसा ये कहते हैं an ऑफ सीजन crop ऑफ linseed एंड ब्रासिका स्पीशी में बी ग्रोन एट विच ऑफ़ द following places अगर मुझे एक ऑफ सीजन crop चाहिए ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड की कह लीजिए मतलब ब्रासिका स्पीशी से कोई भी उठा लीजिए या फिर लिंसिड अलसी या फ्लैक्स की तो ये ऑफ सीड नर्सरी में कहाँ ग्रो कर सकती हूँ भरतपुर राजस्थान में ग्रो कर सकती हूँ हैदराबाद में ग्रो कर सकती हूँ श्रीनगर में ग्रो कर सकती हूँ या कुकमसरे हिमाचल प्रदेश में ग्रो कर सकती हूँ द राइट आंसर विल बी श्री हिमाचल प्रदेश बहुत सारे लोग यहाँ पर राजस्थान लगा सकते हैं ऑन सीजन मस्टर्ड होती ही राजस्थान में है, है ना बट यू हैव टू चूज ऑफ सीजन नर्सरी तो ऑफ सीजन नर्सरी के लिए आप कुकुम श्री हिमाचल प्रदेश को चूज कर सकते हैं फॉर मस्टर्ड सॉरी बेसिकली फुल ब्रासिका एंड योर लेंसेट ठीक है चलिए जगन्नाथ इज म्यूटेंट वेरायटी ऑफ़ बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा कोई वेरायटी स्पेशल है तो उसके बारे में पूछा जा सकता अब है अब जगन्नाथ का एक म्यूटेंट वेराइटी है म्यूटेंट वेराइटी का मतलब क्या है ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वरायटी है है ना उसमें म्यूटेशन कॉज करवाया गया और बाई चांस किस्मत अच्छी निकल गई कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई कि हमें एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल हेल्दी प्लांट मिल गया उसका हमने अलग निकाल कर मल्टीप्लाई किया और उसकी वैरायटी निकाल दी तो उसको हम कहते हैं म्यूटेंट वैरायटी ठीक है तो जगन्नाथ किसकी म्यूटेंट वेराइटी है तो जगन्नाथ राइस की म्यूटेंट वैरायटी है ठीक है हम अक्सर पूजा में जो है राइस को रखते हैं किसी को तिलक लगाते हैं उसके ऊपर राइस लगाते हैं है ना तो जगन्नाथ आज भगवान जी से रिलेटेड नाम है है ना जग के नाथ तो इसके लिए राइस वेरायटी को आप जो है याद रख सकते हैं इन अ क्रॉप प्लांट इन द परसेंटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एक्सीड फाइव परसेंट एंड मे अप टू रीच थर्टी परसेंट अगर एक क्रॉप प्लांट में पॉलिनेशन पांच से तीस प्रतिशत तक आउट क्रॉसिंग हो रही है या फिर कह लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है बाकी सेवेंटी परसेंट सेल्फ पॉलिनेशन है तो वो क्रॉप क्या कहलाएगी सेवेंटी परसेंट अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन है और तीस परसेंट उसमें मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन है तो आप उसे क्या कहेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड कन्फ्यूजन है ठीक है तो उसको हम कहेंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में पाँच से तीस प्रतिशत तक अगर आउट क्रॉसिंग होती है तो उन्हें ऑफन क्रॉस कहा जाता है एग्जाम्पल है इसके कॉटन एंड पी अगेन सारी पॉलिस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं एक्सेप्ट पिजन पी ठीक है तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्यों पिजन पी में ऐसा क्या है कि वो ऑफन क्रॉस है सभी सेल्फ है इसका फ्लावर भी और तरह ही पैपिलोनियस फ्लावर होता है बंद फ्लावर होता है पर इस पिजन पी क्रॉप पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करती है हनी बीज तो हनी भी किसी ना किसी तरीके से फूल खोल ही लेती है उसके लेग्स पर पॉलिन वो चिपके जाते हैं जो दूसरे पॉलिन पर स्टिग्मा पर गिर ही जाते हैं यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द हनी द क्रॉस पॉलिनेशन इन पिजन पीज मोर देन अदर पल्सिस ठीक है तो इसलिए इसको ऑफन क्रॉस में डाला गया है ईडीवीज क्या होते हैं इीवीज ईडी होती है एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटी एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटी एक पर्टिकुलर वेराइटी जो ऑलरेडी एडेप्ट है एंड इट इज प्रेजेंट उसमें अगर आप कुछ कैरेक्टर्स को जो उसकी कमियां हैं उसको चेंज करके इम्प्रूव कर देते हैं तो उसे एसेंशियली डिराइव्ड वेरायटीज़ कहते हैं यानी कि इस वैरायटी में ज़्यादातर कैरेक्टर्स अभी भी पुरानी वैरायटी जैसे हैं बट कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं जो इसको उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बेटर बनाते हैं तो ऐसी वरायटीज़ को हम क्या कहते हैं ई कहते, है, कहते हैं यानी कि एसेंशियली डराइव्ड वेराइटीज़ कहते हैं ठीक है और इसी के साथ ये सेशन छोटा सा प्यारा सा हम यहीं पर समाप्त करते हुए आते हैं आपके बैचेस पर तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं आपके अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं जिसकी फीस है सेवन फॉर वन ईयर एक साल के लिए इन सभी बैचेज़ की पेड क्लास इनकी टेस्ट सीरीज इनकी ई बुक्स सब कुछ इसमें एक साथ एवेलेबल होता है सो so, जो भी बच्चे हैं जो अपनी आगे की प्रोपेशन कर रहे हैं बी एस सी थर्ड ईयर सेकेंड ई ईयर में एंड दे वॉन्ट टू प्रपेयर फॉर द लॉन्गर टाइम उनके लिए भी एग्रीकल्चर महापैक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और जो मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं हर एग्ज़ाम के लिए आप अलग से फीस पे ना करें उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है राइट थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग द वंडरफुल ऑडियंस टू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नॉट फैमिलीज़ जो बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होव एनी सजेशन एंड क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स दिस इज मीनाक्षी राटीज साइनिंग ऑफ गुड बाई टेक केयर एंड हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बिल्कुल मेरी तरह